जिला में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गंभीर होती परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन एक के बाद एक नए कोविड 19 अस्पतालों की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसी के तहत हरोली उपमंडल के पंडोगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 200 बेड के नए मेकशिफ्ट अस्पताल को तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही इस अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड लगाकर रोगियों को सुविधा प्रदान करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जिला में हर दिन नए अस्पतालों के निर्माण को लेकर युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। गौरतलब है कि हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को मुकम्मल अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पंडोगा में 200 बेड के अस्पताल को जल्द ही तैयार किया जाएगा। यहां सभी बेड्स को पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई भी रहेगी। जिला में बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पंडोगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, उसमें 200 बिस्तर का अस्पताल जो ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे उनके साथ बनाया जा रहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। एक कमिटी जो SCPWD की अध्यक्षता में है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो हॉल्स हैं उनके पार्टीशन का काम चला हुआ है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बेड पे ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का काम भी वहाँ चला हुआ है। जल्द ही जो है इस कार्य को पूरा करके हम बेड कैपेसिटी को जिला ऊना में बढ़ा पाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी? आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी, लगी शर्त, 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी, बुक योर सर्विस नाउ। नहीं आएगी? आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी, लगी शर्त, 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी, बुक योर सर्विस नाउ।